हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा एक से कक्षा दो के विषय गणित का गृह कार्य, जो कि दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को दिया गया है। इस गृह कार्य के अंतर्गत हमें एक वर्कशीट दी गई है, जिसे हम सॉल्व करेंगे, जिसमें देखेंगे कि हमें क्या कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गिनिए और अंक लिखिए। हमें यहाँ पिक्चर्स दे रखी है, हमें काउंट करना है और उनके अंक लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, जैसे फर्स्ट पिक्चर में है, क्या दिख रहा है हमें? थ्री फ्रूट हैं, तो यहाँ लिखेंगे तीन। यहाँ है एक दो, तो यहाँ लिखेंगे दो। यहाँ लिखेंगे एक है, तो यहाँ लिख देंगे वन। और यहाँ है शून्य, शून्य यानी जीरो। ठीक है, इस तरह से जीरो को लिखा जाता है। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ जीरो लिखा है। नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में पौधे की पिक्चर है, तो यहाँ लिखेंगे कितनी लीव्स हैं पौधे में? एक दो तीन चार, तो यहाँ लिखेंगे चार। वन टू थ्री, यहाँ लिखेंगे तीन। एक दो, यहाँ लिखेंगे दो। यहाँ है एक और यहाँ है जीरो, तो यहाँ लिखेंगे जीरो। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है? नेक्स्ट पिक्चर में है थ्री ग्लास। ओके, तो यहाँ लिख देंगे जिसमें कुछ भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ थ्री। अब यहाँ क्या है? यहाँ भी थ्री है, तो यहाँ भी थ्री लिख देंगे। थ्री माइनस थ्री हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट है टूटे हुए ग्लास है, जो कि तीन है। यहाँ पर तीन थे पूरे ग्लास, और तीन में से तीन गए, तो जीरो हो गया। नेक्स्ट है वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव बलून। नेक्स्ट है फूटे हुए बलून कितने हैं? वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव है। तो फाइव में से फाइव को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा जीरो। पाँच में से पाँच गए, तो जीरो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है फ्लावर की पिक्चर, तो यहाँ है, तो यहाँ है वन टू थ्री फोर, फोर फ्लावर्स, इनमें फ्लावर्स दिख रहे हैं। और यहाँ है हमें फोर खाली जो डंडी होती है फ्लावर की, वो दे रखी है। ठीक है, स्टिक्स दे रखी हैं, तो यहाँ फोर माइनस फोर हो जाएगा जीरो। इस तरह से हमने इस वर्कशीट में सीखा है जीरो किस तरह से हमें मिलता है। ठीक है, हमें काउंट्स भी दे रखे हैं नीचे, जैसे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। तो हमें यहाँ गिनती भी दे रखी है 26 से 50 तक की, और हमने यहाँ देखा है काउंट्स करके शून्य को लिखना। ठीक है, और हमने चित्र को देख करके अंक भी लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वर्कशीट में देखा है गिनती, अंक और शून्य का यूज़, उपयोग करना। ठीक है, तो ये था आपके कक्षा एक से कक्षा दो के विषय गणित का गृह कार्य। इसी तरह हम आपकी क्लासेस से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।